नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और पेश है आज का यूपी, खबरों का वो कैप्सूल जो आपके लिए आपके सरोकार की खबरें लेकर आएगा। शुरुआत करते हैं लखनऊ के उस एनकाउंटर से जिसके साथ ही लखनऊ वासियों की नींद टूट गई। मुख्तार अंसारी का खासम खास गुर्गा माना जाने वाला राकेश पांडे उर्फ हनुमान पांडे को आज एसटीएफ ने लखनऊ के सरोजनी नगर इलाके में मार गिराया। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में ये वांछित रहा था। 2005 में वो घटना घटी थी, लेकिन आज सुबह अपने चार साथियों के साथ ये जा रहा था और पुलिस एसटीएफ लगातार पिछली रात से इसका पीछा कर रही थी। इनोवा गाड़ी में ये अपने चार साथियों के साथ सवार था। ये इनोवा गाड़ी उस इलाके में, सरोजनी नगर इलाके में एक पेड़ से टकराई और उसके बाद उसके साथी तो फरार हुए, लेकिन एसटीएफ ने इस शख्स को मार गिराया। इस पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, इस पर गैंगस्टर एक्ट है और इस पर 1,00,000 का इनाम भी घोषित था। आपको बता दें कि एनकाउंटर को लेकर चाहे जितने भी सवाल उठ रहे हों, उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी वो कार्रवाई जारी रखी है जिससे अपराधियों में दहशत बना हुआ है, यानी कि एनकाउंटर जारी हैं और जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में हैं, कहीं ना कहीं वो पुलिस और एसटीएफ के रडार पर हैं। राकेश पांडे कई मामलों में वांछित अपराधी था और माना यह जा रहा है कि मुख्तार अंसारी के नेटवर्क का सबसे बड़ा नाम था। इसके सफाए के साथ ही इस पूरे गैंग की कमर टूटनी तय मानी जा रही है। हम आपको लेके चलते हैं अपनी दूसरी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने आज ये साफ कर दिया कि बाबर के नाम से अयोध्या में कोई मस्जिद नहीं बनेगी। वो जमीन जिसे सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सुन्नी बोर्ड को सौंपा गया है, वहां पर मस्जिद तो बनेगी लेकिन बाबर का कोई नाम नहीं होगा। पिछले कई दिनों से लगातार सोशल मीडिया पर यह बात चल रही थी कि जो मस्जिद बनेगी उसका नाम भी बाबर के नाम पर रखा जा सकता है, लेकिन सुन्नी बोर्ड ने आज बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे पूरी तरीके से खारिज कर दिया। सिर्फ यही नहीं, सुन्नी बोर्ड की तरफ से जो ट्रस्ट बनाया गया है उसके प्रवक्ता ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया जाएगा जब मस्जिद के लिए दी गई इस जमीन पर दूसरे और भवन बनने शुरू होंगे। मस्जिद को लेकर उन्होंने एक बात कही कि मस्जिद में शिलान्यास जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ नींव खोदकर मस्जिद की शुरुआत की जाती है, लेकिन जब यहाँ अस्पताल बनेंगे, जब यहाँ कम्युनिटी किचन बनेगा, जब यहाँ रिसर्च सेंटर बनेगा और जब इस ट्रस्ट के भवन बनेंगे, तो ऐसे कार्यक्रमों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया जाएगा। दूसरी तरफ योगी सरकार के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मोहसिन रजा ने भी साफ कर दिया कि बाबर के नाम की कोई मस्जिद न तो अयोध्या में होगी, ना ही बाबर के नाम के किसी चीज को इस देश में मंजूर किया जाएगा। साफ तौर पर मोहसिन रजा ने यह भी कहा कि सिर्फ मस्जिद का नाम ही बाबरी मस्जिद नहीं रहने दिया जाएगा, बल्कि अगर जो मस्जिद बनती है तो उसे मोहम्मद साहब के नाम पर रखा जाए और उसका नाम भी उन्होंने सुझाया और वो है मस्जिद मोहम्मदी। मोहसिन रजा के मुताबिक अयोध्या भगवान राम की नगरी है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम वहां भी जब विराजेंगे तो क्यों ना जब अयोध्या में मस्जिद बननी है तो उसे मानवता के प्रतीक मोहम्मद साहब के नाम पर रखा जाए। अब देखना यह है कि मस्जिद को लेकर यह सियासत अभी कितनी और आगे तक जाती है। हम अब चलते हैं अपनी अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में इन दिनों ब्राह्मण वोट बैंक एक नए शब्द के तौर पर उभरा है और खासा चर्चा में है। मायावती ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अगर उनकी सरकार आती है तो उत्तर प्रदेश में परशुराम की मूर्ति लगाई जाएगी। यही नहीं, जितने भी जाति के नायक हैं उन सबों के नाम पर पहले से बसपा बड़े भवन, पार्क,
शहरों का नाम रखती रही है और अगर दोबारा लौटती है तो भगवान परशुराम के नाम पर भी न सिर्फ मूर्ति बल्कि पार्क और बड़े बड़े नाम रखे जाएंगे। दरअसल कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी ने जयपुर से उस मूर्ति के साथ तस्वीरें ट्वीट की थी कि ये मूर्ति लखनऊ में लगाई जाएगी। पूरा मामला ब्राह्मण वोट बैंक का है। विपक्षी पार्टियों को लगता है कि सवर्ण वोट बैंक में कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ी गुंजाइश है और यही वजह है कि जो भी समाजवादी पार्टी के जितने बड़े प्रवक्ता हैं अब वो खुलकर इस मामले में मैदान में आ गए हैं। मौका देखते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपनी बात साफ कर दी है और कांग्रेस हो, सपा हो या बसपा हो, तमाम लोग फिलहाल ब्राह्मणों के वोट को लेकर के इस वक्त अपनी अपनी चालें चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने भी साफ कर दिया है कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आती है तो भगवान परशुराम की मूर्ति वो लखनऊ शहर में लगाएंगे। आपको बता दें कि 2012 में जब अखिलेश यादव की सरकार बनी थी तो परशुराम जयंती पर छुट्टियों का ऐलान किया गया था। कुल मिलाकर इस वक्त ऐसी स्थिति में जब ब्राह्मण वोट बैंक चर्चा में है, तमाम पार्टियां इस पर अपनी रोटियां सेक रही हैं। देखना यह है कि आने वाले वक्त में राम के बाद परशुराम के नाम पर यह राजनीति और कितनी गहराती है। चलते हैं अपने अगली खबर की तरफ। कोरोना के इस दौर में जब पूरा देश जबरदस्त आर्थिक संकट से जूझ रहा है, योगी सरकार ने दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था अब वापस पटरी पर लौटने लगी है। योगी सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश खन्ना ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पिछले साल जुलाई में जो राजस्व प्राप्त हुआ था लगभग उसकी बराबरी होने वाली है। कहा यह जा रहा है कि पिछले साल जुलाई में सरकार को जितना राजस्व मिला था उसका 97% से ज्यादा राजस्व इस वक्त आ चुका है और वो लगभग 100% छूने वाले हैं। योगी सरकार के मुताबिक ये एक अच्छी खबर है क्योंकि कोरोना के इस काल में जब संकट काफी ज्यादा गहरा हुआ है, अर्थव्यवस्था अपनी पटरी पर लौटने लगी है। अनलॉक 1, अनलॉक 2 और अनलॉक 3 में इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही है, ये तो साफ है, लेकिन इतनी जल्दी पिछले साल के बराबरी पर राजस्व आ जाएगा इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। 97% से ज्यादा जुलाई में राजस्व को प्राप्त कर लेना जो कि पिछले साल के लगभग बराबर है, ये एक उपलब्धि जैसा दिखाई देता है। अब देखना यह है कि क्या पूरी इकोनॉमी जब खुलती है तो ये बढ़ता है या फिर हम कब तक उसे बराबरी पर ले आ पाते हैं। बढ़ते हैं अपने आगे की खबर की तरफ। 20 अगस्त से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने वाला है। कोरोना के इस दौर में महज 3 दिनों का यह मानसून सत्र रखा गया है जिसमें सिर्फ जरूरी काम निपटाए जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए इस मानसून सत्र में विधायकों की बैठने की व्यवस्था कुछ यूं की गई है कि गैलरी से लेकर लॉबी तक को इसमें शामिल कर लिया गया है। इस बार इसमें दर्शक दीर्घा भी नहीं होगा और पूरे जगह पर विधायकों को बैठने की व्यवस्था की जाएगी ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। अमूमन 2 हफ्ते से ज्यादा का होने वाला यह मानसून सत्र सिर्फ 3 दिनों के लिए रखा गया है ताकि जरूरी काम निपटाए जा सकें। इस बार पूर्व विधायक, पूर्व सांसद और दूसरे लोगों को कोई भी स्थायी पास नहीं दिया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ विधायक आ पाएंगे ताकि जो विधायी कार्य है वो पूरा किया जा सके। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में इस वर्ष कोरोना के महामारी को देखते हुए जो अभी मानसून सत्र बुलाया जा रहा है उसे सिर्फ और सिर्फ जरूरी कामकाज तक सीमित रखने की कोशिश हो रही है। जाते जाते एक अच्छी खबर, हापुड़ में जिस बच्चे का अपहरण हुआ था और जिसके पिता से 30 लाख की फिरौती मांगी गई थी वो बच्चा बरामद कर लिया गया है। तो ये थी लखनऊ से यूपी तक की खबरें। आप देखते रहिए यूपी तक।